अतिक्रमण अभियान चलाती हुई बीएमसी टीम पर हमला किया गया है। नाराज भीड़ ने बीएमसी टीम और पुलिस वालों पर पथराव किए। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 5 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी पवई इलाके की, जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए बीएमसी टीम पर हमला किया गया। सौरभ अक्तानिया मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सौरभ, टीम पर हमला हुआ, वहां पर पुलिस बल की मौजूदगी थी, इसके बावजूद क्या ताजा स्थिति है? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं मुंबई के पवई इलाके की, यहां पर बवाल हुआ है। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम, बीएमसी के कर्मचारियों पर पथराव किया गया, जिससे कई पुलिस कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने पर बीएमसी पर इस तरीके से नाराजगी जताई गई। पथराव में 5 पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। एक लंबी चौड़ी टीम पुलिस बल की वहां पर गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें खदेड़ने की कोशिश की गई और पथराव उन पर किया गया, जिससे 5 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। सौरभ वक्तानिया जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सौरभ, अब स्थिति नियंत्रण में है या फिर वहां पर अभी भी ये पथराव चल रहा है? नहीं, यहाँ स्थिति बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं है। बहुत ज्यादा तनाव है इस वक्त इलाके में। बीएमसी का आरोप है कि यहाँ पर बहुत ही इलीगल स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, लगातार नोटिसेस गई थी, और आज जो है उसको डेमोलिशन ड्राइव था वहाँ पर, उसके लिए भी पहले से नोटिसेस दी गई थी, तो वहाँ पर पुलिस बंदोबस्त भी था, लेकिन हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर जमा हुए। पहले तो नारेबाजी हुई और उसके बाद जब पुलिस ने अप्रोच किया कि वहाँ पर जो इलीगल स्ट्रक्चर्स है जो उसको डेमोलिश करने के लिए, तभी एक साथ वहां पर जितने भी लोग थे वो एक साथ पुलिस पर अटैक किया, बीएमसी के लोगों पर अटैक किया, और वहां पर कई सारे पत्थर मौजूद थे, तो पत्थर उठाकर पुलिस जो मुंबई पुलिस के जो ऑफिशियल थे उन पर पथराव किया। वहां पर डीसीपी और आईपीएस ऑफिसर सारे मौजूद थे और इस तरीके से हमला हुआ है कि पुलिस वहां पर रिएक्ट नहीं कर पाई और फिर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद पुलिस ने डिसाइड किया कि अब लाठीचार्ज करना है और लाठीचार्ज करने के बाद लोगों को तितर बितर किया, लेकिन अब वहां पे एक्स्ट्रा फोर्सेस बुलाई गई है, लोग फिलहाल अभी भी वहां पर मौजूद है, लोग वहां से नहीं हट रहे और उनका कहना है कि डेमोलिशन ड्राइव हम करने नहीं देंगे, ये स्ट्रक्चर जो है वो इलीगल नहीं है और इसे हम तोड़ने नहीं देंगे। तो अभी भी जबरदस्त तनावपूर्ण स्थिति है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलाई गई है और लोगों को समझाने की कोशिश की जाए, लेकिन लोगों ने साफ कह दिया कि वहां पर डेमोलिशन ड्राइव वो होने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, सौरभ।